हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, अभी सुबह के लगभग लगभग 11 बज चुके हैं और आज मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग को। और यहाँ पे मेरे साथ सिर्फ ओनली है मनु, ये देखो मनु, और बाकी परी तो जा रखी है स्कूल और इसकी मम्मी भी जा रखी है बाहर घूमने। और घूमती रहती है इसकी मम्मी तो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, छत में घूम रही होगी पता नहीं, और यहाँ पे दिख नहीं रही है तो पता नहीं कहाँ घूम रही है। कहाँ घूम रही है तेरी मम्मी, कहाँ घूम रही? अच्छा, आज मीटिंग है स्कूल में ना? हाँ, आज क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा मीटिंग है तो मीटिंग में जा रखी है शायद अभी। और बाकी स्कूल छोड़ने तो मैं गया था परी को। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा तैयार भी हो गया हूँ और जा रहा हूँ, देखता हूँ आज या तो धरने वाली जगह पे जाऊँगा तो वहाँ का भी दिख जाएगा आपको, बाकी अगर घूमने जाऊँगा तो वहाँ भी पता चल ही जाएगा आपको कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो बाकी दोस्तों, दोपहर के लगभग लगभग 1:30 से 2 बजे का टाइम हो चुका है और मैं अभी यहाँ पे गांधी पार्क में आया हूँ आज, और इसके बाद जस्ट वहाँ पे भी जाऊँगा धरना प्रदर्शन वाली जगह पे। लेकिन दोस्तों, मैं वहाँ के वीडियो आपको अलग ही दिखाऊँगा, इसमें मिक्स करूँ, एक मिक्स किया था मैंने तो उसमें थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसको मिक्स नहीं करूँगा मैं, वहाँ का अलग ही दिखाऊँगा आपको। जो गांधी पार्क वाला होगा वो सेपरेट अलग, उसमें मेरा मतलब मैं डायरेक्ट वहीं की चीज़ें दिखाऊँगा आपको। बाकी दोस्तों, अभी यहाँ गांधी पार्क में आया हूँ आज, तो यहाँ का गांधी पार्क दिखाऊँगा आज आपको। तो दोस्तों, ये है गांधी पार्क देहरादून का, और अभी मैं मतलब यहाँ पे आया हूँ तो ये आप देख सकते हो गांधी पार्क यहाँ का, और इसके मतलब सिनेमैटिक शॉट भी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़े बहुत जितने भी हो पाएंगे। फ़िलहाल तो आप इस यहाँ का देख लो दोस्तों, यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए भी हैं, तो जब वो मतलब शाम के टाइम या दोपहर के टाइम किसी को भी रेस्ट करने आना हो तो वो यहीं आते हैं। बाकी उधर का भी देख सकते हो आप, लोकेशन बहुत मस्त है ये वाली गांधी पार्क वाली, और यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं तो धूप भी ज़्यादा नहीं होती। दोस्तों, यहाँ से देखने पे ये बाउंड्री के उधर परेड ग्राउंड है जस्ट, और इधर की तरफ राजपुर रोड है। तो दोस्तों, मैं इधर राजपुर रोड वाली साइड से आया हूँ अंदर, और यहीं से आने का रास्ता भी इधर ही से है। तो ये आप लोकेशन भी देख सकते हो। यह है आपका गांधी पार्क, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा बनाया गया है खेलने के लिए। और ये अंदर का इलाका, ये देखो मिकी माउस वगैरह। और दोस्तों, यहाँ की एंट्री फ़ीस भी है 20 रुपये, तो एंट्री फ़ीस तो दे ही सकते हैं 20 रुपये। और बाकी देख सकते हो बच्चे वगैरह अंदर खेल ही रहे हैं, तो ये देख सकते हो आप शानदार नज़ारा गांधी पार्क का। भी देख सकते हो जिम का भी रखा हुआ है यहाँ पे, शानदार सा नज़ारा है। कई लोग तो धूप भी सेक रहे हैं उधर, देख सकते हो आप ग्राउंड में। और ये इधर की तरफ का है, राजपुर रोड की तरफ का सीन है, नज़ारा है। और इधर लेफ्ट में देखेंगे तो ये जिम का सामान है यहाँ पे। दोस्तों, ये पार्क ऐसा है कि ये गर्मियों में ना बहुत ही अच्छा मतलब साधन है लोगों के लिए, जो बाहर यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है उनको
तो यहाँ पे आके वो रेस्ट कर सकते हैं दोपहर को थोड़ा सा, और करते भी है इवन, जैसे अभी भी आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हैं जिसके कारण यहाँ पे गर्मियों में मतलब गर्मी भी नहीं होती है, पेड़ों की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हवा वगैरह चलती रहती है तो मतलब गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ही मस्त लगा मुझे गांधी पार्क में, और सबसे बढ़िया तो बच्चों का घूमने वाला जो पार्क वगैरह बना रखा था, मिकी माउस वगैरह ट्रेन घूमने के लिए बना रखे, वो सबसे ज़्यादा मस्त लगा मुझे। वहाँ अंदर तो नहीं गया मैं, लेकिन बाहर से देखा और थोड़ा बहुत आपको भी दिखाया मैंने। दोस्तों ये पार्क इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है क्योंकि सुबह शाम लोग एक तो सबसे पहले वॉकिंग करने यहाँ पे आते हैं, और जो लोग घरों में रहते हैं जैसे हाउसवाइफ वगैरह है तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड यहाँ पे करने आते हैं, तो जिससे उनका मतलब माइंड फ्रेश सा हो जाता है यहाँ पर आ कर के। दोस्तों शाम को बहुत लेट आया मैं घर, और लगभग 6:30 बजे करीब आया हूँ जब अंधेरा हो गया था। और दोस्तों अभी खाना पीना भी खा दिया मैंने, और बाकी अंदर वाले रूम में है तीनों के तीनों, और मैं इधर बाहर ही रहता हूँ। तो दोस्तों अभी क्या है कि वहाँ का कुछ सीन मैं आपको बताऊँ, जब गांधी पार्क में गया था उसके तुरंत बाद मैं वहाँ चले गया था फिर अपने जहाँ पे धरना वगैरह चल रहा है यानी कि शहीद पार्क में, तो वहाँ का सीन आपने देख लिया होगा, मैं इसको आपको बाद में दिखा रहा हूँ, पहले मैंने वहाँ के सीन दिखा दिए थे और जैसे कि मैंने आपको कहा भी था इसको मैं उसमें मिक्स नहीं करूँगा, इस ये वाला जो अपना ब्लॉग है ये अलग ही बनाऊँगा, और जो गांधी पार्क में जो न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड वो है उसको मैं अलग ही वो करूँगा, तो वो आपने देख भी लिया होगा। तो दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करना इन लड़कों के लिए, मैं खुद यहाँ पर हूँ और मेरे को भी लगा छठवां दिन हो गया है, भले ही रात को तो नहीं रहता हूँ मैं वहाँ पर, लेकिन सुबह चले जाता हूँ, और कभी कभी जैसे सुबह नहीं आता हूँ तो लगभग 10-11 बजे तो जाता ही हूँ मैं, और उसके बाद शाम को आता हूँ वहाँ से वापस घर। तो दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करना, और मतलब औरों को भी शेयर करना ताकि औरों को भी पता लगे कि हाँ भाई मतलब क्या चल रहा है, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं आखिर इनके लिए CBI जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए वैसे, और ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि CBI जांच के लिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और जो कि बॉबी पवार है यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उसके, तो वो भी आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, ब्लॉग जो मैंने बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।